है, और पांच छह दूसरी मूवी है, मुझे साफ नहीं दिख रहा। खलका मीनार माँ, नहीं, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, कोई बात नहीं। वो एक उछलते पानी से पैदा किया गया है जो पीठ और सीने के दरमियान से निकलता है। यहां पर बात हो रही है मेल स्पर्म की, जिससे इंसान पैदा होता है। तो ये मेल स्पर्म जो है, क्या वो पीठ और सीने के दरमियान दरमियान से निकलता है सर? जो पीठ और सीने, थोड़ी ऊपर की आयतें पढ़ाइए मुझे, क्योंकि जब तक मैंने ये पूरी आयत ऊपर से पढ़ूंगा मैं, थोड़ा सा थोड़ी सी। हाँ, नहीं जी, एक से पढ़ लें आप, एक से पढ़ लें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह के नाम से कसम है आसमान की और अंधेरे अंधेरे में रोशन होने वाले की। ठीक है ठीक है, कसम है आसमान की और अंधेरे में, मतलब सूरज, मुझे मालूम भी है वो रात की नमूदार होने वाली चीज क्या है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए भैया। वो रोशन सितारा है, जी रब के लिए है, नूर के लिए है, कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं जिस पर निगहबान फरिश्ता ना हो। सही है, फरिश्ता है निगहबान हर जगह के लिए, दो फरिश्ते होते हैं। इंसान को देखना चाहिए कि वो किस चीज से पैदा किया गया। ठीक बेसिकली है, यहां वो पर किसका वारिस है। इंसान की हाँ पैदाइश नहीं की बात नहीं हो रही है खलका मिनल, हाँ जी। तो वो यहां मैं पर सही बेसिकली पूछ रहा इंसान की हूँ। पैदाइश की बात हो रही है, और इंसान की पैदाइश कैसे हुई है, किस चीज से पैदा हुआ, वो बता वही रहे हैं उछलते पानी से, अल्लाह। उछलते पानी से पैदा किया गया। ठीक है, और इसके बाद जो पीठ और सीने के दरमियान से निकलता है, इसमें गलत क्या है मेरे भाई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेल स्पर्म ये क्या सही है, पीठ और सीने के दरमियान से निकलता ये है? सही है, ये सही है, जी ये सही है। इसका जवाब दे दूं मैं भाई, अब? इसका नहीं जवाब दे कैसे दूं सही है मैं, ये भी तो इसका जवाब दे समझाओ। दूं हाँ मैं। मैं ये पूछना, मेरा सवाल आपने सुन लिया, मेरा सवाल क्या है? समीर साहब एक मिनट ना रुके कि ना, ये एक सही है या मिनट गलत है। रुके। नहीं, मेरा सवाल ये है आपसे कि जो मेल स्पर्म होता है, जिससे इंसान की खल्कियत होती है बेसिकली, तो वो क्या पीठ और सीने के दरमियान से निकलता है क्या सर, अपने मेडिकल मेरे नॉलेज जवाब के तो जान एतबार से दो मेरे बताइए। भाई, वो बनता कैसे है? जी जी बताइए उसके पीछे है उसके जी। बनने का लॉजिक। वो उछलता पानी जो है, क्योंकि निकल रहा है वो पेनिस से, लेकिन उसके पीछे वो बनता कैसे है? ठीक है, इन सिंपल ही वे में, आयुर्वेदा में सिंपल रोल है इसके लिए कि जब अपन जो भी खाते हैं, ठीक है, जो भी हम खाते हैं, ठीक है, उससे रक्त बनता है, रक्त से मज्जा बनता है, मज्जा से बोन मेरो बनता है, और बोन मेरो से स्पर्म बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे सर जहाँ बोन मेरो का पूरा पार्ट आ सर गया, सर 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 ठीक है, सर यहाँ पे आपको वहां पे आयुर्वेदा से नहीं साबित करना है सर, आयुर्वेदा से आपको साबित नहीं करना, आपको मेडिकली साबित करना है। मेडिकली, मैंने मेडिकली एग्जांपल दे दिया उसका, उसमें स्पर्म सर के संबंध में जो है हार्मोन पार्ट ले लो, मैं मेडिकली आपको कहेंगे बता दूं तो। सर। सर अब आप मेरी बात सुन लें, आपकी बात सुनी गई है, अब आप मेरी बात सुन लें। देसी पब्लिक जी, थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ चैनल। एक सेकंड रुके, डोनर ने एस्टिमेट का एक मैं मैसेज ले लूं, फिर आपसे बात करता हूं हाँ ले लो भैया, करता ले लो। हूं। बुत प्रस्तों के खुदा मक्खी नहीं उड़ा सकते, मगर अल्लाह तो मक्का में आए हाजी भी नहीं बचाते। फ्लूड्स मोमिनों को भिगो भिगो कर धो रही है, अर्थक्वेक में मस्जिद ढह रही है, मोमिनों का प्यारा अल्लाह कहाँ है? जी बहुत प्यारा आपका मैसेज है, बहुत प्यारा आपका सवाल है। मोमिन भाई इसका जवाब देंगे, हम हमसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल जो पहला सवाल है उस पर बात करते हैं। तो भाईजान, असल में मैंने आपसे ये नहीं पूछा, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि जो बिरयानी है वो कहां से आई है, ठीक है, मैंने पूछा बिरयानी कहां से आई है, तो जवाब एक ही हो सकता है, या तो घर से या तो होटल से। अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बिरयानी कहां से आई, और आप मुझे बता रहे हैं कि पहले जमीन में चावल डाला गया, उसके बीज डाले गए, फिर उससे चावल पैदा हुआ, चावल पैदा होने के बाद में फिर उसको घर में लाया गया, फिर उसको भिगोया गया, फिर उसमें मसाले डाले गए, फिर उसको पकाया गया, इसकी रेसिपी अगर आप बताने लगे तो क्या ये बेवकूफाना जवाब नहीं होगा? क्योंकि मैं रेसिपी तो पूछ ही नहीं रहा, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि वो आया कहाँ से। अब यहां पर जो क्लेम है वो रेसिपी का नहीं है, बनने का नहीं है, क्लेम है आने का, निकलने का, बनने का नहीं है या सर। निकलने की, तो उसके ये जो उसके आया है, वो तो सुनिए ना क्लेम है सुनिए ना जो सर पीठ और सुनिए। सीने के दरमियान से निकलता है, मतलब यहाँ निकलने का हाँ मीनिंग ये है जी कि बनता है। ठीक है, यहाँ ओके। तो मीनिंग पीठ और ये सीने के बनता है। दरमियान, ठीक सुनिए, पीठ और है, सीने के दरमियान क्या ये मेल स्पर्म बनता है क्या, पीठ और सीने के दरमियान, या कुछ और बनता है? हाँ, इस पर बनता है, उसी जगह से हार्मोनल बनते हैं, हार्मोन से वो बनता है नहीं तो हार्मोन नहीं पूछ रहा हूं ना मैं तो मेल स्पर्म पूछ रहा हूं। भाई। सिंपल वर्ड में, किसी को उस वक्त समझने के लिए जो जितनी जरूरी थी वो चीजें आ गई उसमें, उस चीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अच्छा, लेकिन ये जो लाइन है ये साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, तो जो आप अगर लाइन आप है ये ना कह रहे हैं, इस्लाम भाई, भाई, अब इस्लाम भाई अगर आप ये कह ये रहे चीज हैं, में वो सुने ना, आप बिरयानी आपकी कहाँ बात से कभी आता आप है, भी ये तो सुना चीज करें क्यों ना। कुरान में? आप जब बात करते हैं तो आप उसका जवाब भी तो सुना करें। आपने कहा कि उस वक्त जितनी जरूरत थी उतनी चीजें आ गई,
और उस वक्त की नॉलेज के हिसाब से आ गई। मैंने आपके साथ एग्री कर लिया, उस वक्त लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी और उस वक्त की नॉलेज के हिसाब से शायद ये एक्सेप्टेबल था, लेकिन आज जितने लोगों को नॉलेज है उसके हिसाब से ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आज की डेट, एक मिनट सुन ले, फिर आप बोल रहे हैं बीच में, आपको तकलीफ क्या है, आप सुनते क्यों नहीं है? एक्सेप्टेबल है, मेडिकली अब अप्रूव्ड है सुन, ये लाइन। अरे भाई सुन तो लीजिए, मैं तो आपसे मेडिकली अप्रूव मांग रहा हूँ ना, अप्रूवेंस मांग रहा हूँ इनकी, आप इसकी अप्रूवल दे ही नहीं रहे मेरे को। दे तो दिया अब आप मैंने। सुनिए, अरे भाई हाँ ठीक है ना, बता रहा हूँ ना कि हाँ की अप्रूवल दे रहे हो आप। मैंने ये पूछा आपसे तो आपने ये कहा कि भाई ये उस टाइम के लिए ठीक थी। अगर ये उस टाइम के लिए ठीक थी और आज के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर इसका आज की डेट में इस आयत का क्या मतलब है कुरान में, मुझे बस ये बता दें। जब अप्रूव्ड है तो मतलब है ना, जब तो अप्रूव अप्रूव्ड इसको है करें, आज की हाँ सुने, तो आज की समझ रहे साइंस आप के मेरे मुताबिक, लिए है, आज तो की साइंस नॉलेज के जो कि मुताबिक मेरे आप लिए उसको अप्रूव जरूरी है। करें, क्योंकि वहां पर सुने, यहां पर बात उछलते हुए पानी की हुई है, हार्मोन की नहीं हुई है। तो आप मुझे हार्मोन नहीं बताएंगे, आप बात बताएंगे मुझे पानी भाई की। ऐसा पानी आप नहीं मुझे, है, आप पानी एक की मिनट बात भाई, आप मैं मुझे कर रहा उछलते हूँ। हुए पानी की यानी कि स्पर्म की बात बताएंगे, आप मुझे हार्मोन की क्यों बता रहे हैं? मैं तो स्पर्म पूछ रहा हूँ, स्पर्म कहाँ बनता है, ये थोड़ा ना जो पूछ रहा हूँ बनता है जिससे वो स्पर्म कहाँ बनता है से वो हार्मोन कहाँ कहाँ बनता है, ये तो निकलता मैंने है, पूछा ही कहाँ नहीं। से बनता है वो उछलता पानी कहाँ से निकलता है ये अल्लाह बताओ। ने अल्लाह, अच्छा चलो इसको समझाने के अरे लिए मैं बात आपसे सुनो, सवाल पूछता हूँ। एक मिनट मैं इनको समझा देता हूँ, इनको मैं समझा देता हूँ। इन्होंने आयुर्वेदा से प्रूफ किया कि हम जो खाते हैं उससे अरे खून बनता है, नहीं, खून सुनील से रक्त भाई बनता है। सुनील एक भाई, मिनट छोड़ो एक, सुनो अरे ना, एक मिनट समीर भाई रुको रुको छोड़िए, रुको, लेकिन आयुर्वेदा पे जो नहीं हम जाना खाते हैं समीर ना भाई। भाई, समीर भाई लेकिन मेरी बात सुने, दावत मुर्ते साहब जो हम जो खाते हैं ना वो खेत में बनता है, तो क्या मैं खेत में उपजता है, खेत खेत में में फसल उपजता है, उगती है, खेत में तो फसल उगती है। क्या मैं ये समझ लूं कि भाई वो जो स्प्रम है वो फसल के साथ उपजता है खेत में? उसका लास्ट प्रोडक्ट क्या है? खेत का नहीं है, लास्ट प्रोडक्ट क्या है उसका? लास्ट प्रोडक्ट अरे स्पर्म, लास्ट जैसे प्रोडक्ट स्पर्म है, स्पर्म का, लास्ट स्पर्म का प्रोडक्ट उससे पहले वाला, स्पर्म स्पर्म का उसका पहले वाला, ठीक है। कुरान के बारे में ये तो चीज है सर कि आप स्पर्म उससे का, पहले वाला क्या जाए, आप उससे पहले ठीक वाले है, पे जा रहे हैं तो उससे यानी पहले भी तो बोन आपको मेरो जाना में, पड़ेगा ना सर। मींस कमर और सर जो बोन मेरो में होता है, जो पीठ के नीचे होता है, ये मध्य में, वो जो बोन मेरो होता है वो लास्ट प्रोडक्ट वही है, मज्जा है, ठीक है, उसको मज्जा बोलते हैं हिंदी में, तो क्या बोन बोन मैरो मैरो से से स्पर्म निकलती है? भाई, देखो बात वही हो गई ना सुनील समीम भाई, समीम भाई बात वही हो गई, आप उनको भाई अच्छा बाकी आप एक मिनट जरा म्यूट करें, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक मिनट राहुल भाई, एक मिनट, रेस्ट ऑफ द पीपल प्लीज एक मिनट रुके, मैं आपको इस्लाम साहब एक एग्जांपल देख के समझाता हूँ, एक एग्जांपल देके आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि आप तब समझ पाएंगे मेरी बात को। आप मुझे ये बताइए, अल्लाह ने जो आदम की तखलीक करी है वो कहां पर करी है सर, जमीन पे की अर्श पर? अर्श पे किससे किस चीज से करिए सर, मतलब? किस चीज से बनाया अल्लाह ने आदम को? मिट्टी वो से, मिट्टी कहां से आई थी सर? मिट्टी है पूरे अर्श में है, हर जगह अर्ध है, आप नहीं जाओ नहीं मरियम नहीं पे भी अर्ध है, वो मिट्टी मिट्टी पे भी लाई, अर्ध है, पृथ्वी पे भी कहां अर्ध से गई? है, वो आसमान मिट्टी पे भी वहीं अर्ध मौजूद है। थी? अरे भाई सवाल यह है कि वो मिट्टी वहीं मौजूद थी या कहीं और से लाई गई? मतलब जिस मिट्टी से आदम की तखलीक करी गई है वो मिट्टी आई कहां से थी, मैं ये पूछ रहा हूं, फरिश्ते लेके आए थे, अभी कहां से? जमीन भैया इसके बारे में इतना डिटेल नहीं है, फरिश्ते लाए गए थे अर्ध से, से लाए थे ना, अर्ध से लाए थे ना जमीन अर्ध से। से, अर्ध की जमीन के बारे में आप ये अब पूछ रहे हैं कि मीनिंग नहीं पूछ जमीन रहा, से? मीनिंग नहीं पूछ रहा, वो जलेबी अपने पास रखो कहीं भी हो, जमीन से लाए थे ना? अर्ध से लाए थे, अर्ध में जमीन नहीं होती हाँ है, अर्ध से जमीन लाए से थे, अर्ध जमीन, भाई हिंदी बोलने शर्म आती हिंदी बोलने में, अर्ध को जमीन ही कहते हैं ना, अरे जमीन से भाई लाए थे ना? भाई मेरे, एक अर्ध मिनट नहीं रुको कहते, समीर अर्ध भाई, नहीं कहते अर्ध का मतलब जमीन यार, नहीं होता ना भाई, अर्ध का मतलब जमीन नहीं होता है ना, अल्लाह ने अर्ध का फरिश्ते मतलब से क्या जमीन, कहा? एक मिनट, अर्ध का मतलब जमीन नहीं होता है ना भाई, अल्लाह ने आदम को कहाँ के लिए पैदा किया, किस चीज, कहाँ पे वो अपना नायब बनाना चाहता था? पूरे अर्ध का, पूरी दुनिया का, पूरी बड़ी जो मखलूकात है, उस जितने भी मखलूकात है उन मखलूकात अरे में तो सारा मखलूकात जितने भी कहाँ थी जानवर भाई, है, हमारी बिना पृथ्वी पर थी, किसकी मखलूक कहाँ थी, के कहाँ थी कुछ मखलूक? होता है आदम, पूरी नहीं अर्ध भाई का जितने भी मखलूक जानवर कहाँ, है ना, ब्रह्मांड के यार ये जितने आदमी, मेंबर्स हैं यार ये आदमी उन कितना बड़ा सबके जलेबी अंदर बाज अदम है। है। एक मिनट समीर भाई, एक मिनट रुके, एक मिनट एक मिनट भाई, आदम अलैहि सलाम को मतलब कि पूरी यूनिवर्स के लिए उन्होंने अपना नायब बनाया है, नायब का मतलब आप समझते हैं सर? खलीफा, नहीं, खलीफा उसका डेफिनेशन समझते हैं ना कि नायब का मतलब क्या होता है, नायब हाँ समझ बोलते गया किसको है? समझ गया, मैं समझ गया, नायब उसको बोलते हैं जो अपने बाद हो, अपना अपना
मतलब समझ लो अपनी अपनी वो वहां पता ही है, तो नया बनाया था आपके मैंने। हिसाब से, वो अर्थ जो है वो पूरी यूनिवर्स है, तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूरी यूनिवर्स के लिए खलीफा बना दिया, इवन फरिश्ते भी है वो आदम के ताबे हो गए, सब के सब आदम के ताबे हो गए। हाँ तो सजदा किया ना, सजदा किया, सजदा अरे सजदा नहीं सजदा पूछ रहे करने भैया, से ये पूछ रहे हैं पूरी यूनिवर्स का खलीफा था क्या आदम? जब तक, हाँ मैं जवाब दे दूँ समीर भाई, हाँ दे दे। जब तक वो वहां पे थे ठीक है, तब तक वो पूरी उसके खलीफा थे ठीक है, अल्लाह के ठीक अरे तो है। वहां के लिए तो अल्लाह खलीफा, यार के बाद उसने यार कोई कसम और, से अजीब जलेबी है भाई। भाई वहां के लिए तो खलीफा बनाया नहीं उसको, उसको तो जमीन के लिए खलीफा बनाया, वहां के उसको लिए जमीन बनाया के लिए नहीं। कहा, तो वहां के लिए तो तो खलीफा वहां बनाया के तो वहां के लिए खलीफा जो वहां के वहां लिए के खलीफा थे, तो खलीफा थे। मतलब दुनिया में आने के बाद खलीफा नहीं रहे वो। मेरे भाई सुनो तो सही, पृथ्वी में बाद और में मेरे अपने भाई लोगों तुम ने ऐसी आने के चीज बाद को गलत तरीके बुराई से, की। या किसी का इको हो रहा है, जरा अपने म्यूट करें एकदम प्लीज। बाकी राहिल साहब शायद आपकी तरफ से एक मिनट जरा म्यूट कर ले बाकी सभी। भाई अगर उसको वहां पर खलीफा बनाया गया जमीन के लिए, तो फिर वो जमीन में आने के बाद खलीफा होगा ना, ना कि वहां खलीफा होगा जमीन में आते खलीफा नहीं रहेगा। यार यार सुनो मेरी बात, अभी मेरा सवाल पीछे रह गया, अपने सवाल पे आते हो, तुम्हारी जलेबिया मैं थक गया हूँ, अपने सवाल पे वापस आता हूँ। तो मेरा सवाल ये है तुमसे कि अगर आदम को अल्लाह ने बनाने के लिए मिट्टी कहीं और से मंगवाई है, तो क्या तुम ये कह सकते हो कि आदम जो है ना वो जमीन में पैदा होता है, अर्ध में पैदा होता है, कह सकते हो ये? नहीं ना, क्योंकि वहां से सिर्फ मिट्टी लाई गई है, बनाया उस मिट्टी से उसको अल्लाह ने अर्श पर है। तो इसी तरीके से जहां से वो पर्टिकुलर वो चीज आ रही है जिससे वो बन रहा है मेल स्पर्म, वो मैं नहीं पूछ रहा हूं, तो तुम वहां नहीं ले जा सकते उसको, वो स्पर्म यार जहां बन रहा है जिससे इंसान की खलकियत हो रही है उसी में मैं रखा आप हुआ ना इस्लाम को समझे नहीं अभी तक। अर्थ जो अफर्स है ना, वो भी पार्ट, अर्थ जो है जहां अल्लाह का अर्श है उस एरिया में भी अर्थ है ठीक है। अर्थ मीन जमीन, है। अरे वहां तो भाई पर वहां से मिट्टी भी मंगाने के जाता लिए है अल्लाह ठीक है, को, वहां अगर ही अगर नहीं वहां रह भी गई, वो ए, आस पास से रह गई थी इजीली ठीक है। तो मैं और ये पूछ रहा हूं आदम आपसे, अलैहिस्सलाम पूरी को डाला यूनिवर्स अर्थ में, तो मान रहे हो ना कि में, पूरी यूनिवर्स में अर्ध है, मैं ये मान रहे हो ना कि पूरी यूनिवर्स में अर्ध मैं है? यार मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि आप ये मान रहे हो कि पूरी यूनिवर्स में अर्ध है, पूरी यूनिवर्स में जमीन है, ये मान रहे हो ना? हाँ जी ओके, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या अल्लाह ने आदम को पूरी यूनिवर्स का खलीफा बनाया था क्या? नायो हाँ पूरी यूनिवर्स का, तो फिर अल्लाह ने, अगर अल्लाह ने आदम को पूरी यूनिवर्स का खलीफा बनाया था, तो अल्लाह ने आदम को पूरी यूनिवर्स में ना भेज करके सिर्फ जमीन पर क्यों भेजा? जवाब दो इसका। किसी किसी जगह इस चीज का वो है, हजरत जो हमारे नैजुल बलागा है उसमें हजरत अली अब्बास लिखते हैं कि बेसिकली सात आदम है, उन सात आदम में से जो मेन खली वो आए, सात आदम है, ऐसे ही सात प्रोफेट मोहम्मद है ठीक है। यही चीज को वेद भी अप्रूव कर चुके हैं नियाज़ुल वेद बलागा में। को क्या आपके तमाम स्कॉलर, तमाम मुस्लिम मानते हैं आपकी नियाज़ुल बलागा को? तो मैं सुन लो मैं बता देता हूँ, जवाब दे देता हूँ कि इसमें क्या जी है। तो सात आसमान है, तो जो बेसिकली वो उनको मानते हैं जो यहाँ पे पृथ्वी पे आए, तो उनके आप हिसाब से नियाज़ुल सात बलागा, आसमान एक मिनट एक है, मिनट, तो यही आप पृथ्वी पे है, बलागा तो यहाँ पे हैं पृथ्वी पे अपनी आए। बात को साबित करने के लिए, तो आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नियाज़ुल बलागा अगर आपके लिए हुज्जत है, तो अगर मैं कोई ऐसी और किताब लेकर के आऊं कुरान की किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो आपके लिए हुज्जत होगी, आप मानोगे उसको? कौन सी किताब? ओके, बहुत ये बरेलवी जो मसलक है, इनके जो इमाम है अहमद रजा, वो अपनी किताब में लिखते हैं जमीन साकिन है, रोटेट नहीं करती, आप मानते हैं इस बात को? देखिए हाँ मैं बता देता और हूँ, उन्होंने, सुनिए कुरान ना में मेरी बात, मसलक है, अब अहमद मेरी रजा बात का सुनिए मसलक ना, है, सुन लो और मैं उन्होंने देखो 132 अभी से, आप सुन तो ने, सुन लो। उन्होंने 132 से ज्यादा दलाइल पेश किए इस बात के कि जमीन मूव करती ही नहीं है, वो स्टैटिक है। तो अगर आप अपनी नियाज़ुल बलागा को हुज्जत बना करके ये साबित करेंगे कि सात आदम है, तो फिर उस किताब को हुज्जत बना करके आप ये मानेंगे कि जमीन जो है स्टैटिक है, समीर भाई वो जो है ना रोटेट नहीं करती? मैं बोलूँ समीर हाँ भाई, बोलिए बोलिए सर। नेजुल बलागा जो है वो बेस्ड है हजरत अली के खुतबों पे, और हजरत अली अब्बास जो थे उन्होंने बाकायदा उसमें उनके खुतबे हैं। तो हजरत अली अब्बास कौन है जिनको प्रॉफिट अली मोहम्मद अली ने बेस्ड आपके किया है? लिए, अली मैंने आपके सुना है लिए, कि सुने, खुदा अली है, आपके लिए खुदा होगा, लेकिन मैं नहीं अली मानता हूँ, हमारे लिए, मैं बाकी नहीं मानता मुसलमानों के लिए हूँ खुदा नहीं है भाई। सुनो पहले बात, पहले बोलने तो दो। भाई। अली अली अब्बास आपके लिए खुदा होंगे, मेरी बात तो सुन ले पहले, पहले मेरी बात तो सुन, जवाब जवाब ले लें, जवाब ले लें हिम्मत रजा बरेलवी भाईजान, के लिए जवाब ले मुकम्मल लें पे है। वो बंदा यार, कैसे मेरा इतने हैंड फ्री, बड़े
मेरा जो हैंड फ्री है ना वो डिस्चार्ज हो गया है, तो मेरे को आवाज आ रही है थोड़ी कम, मेरी बात भी सुने ताकि फिर मैं खामोश होकर आपकी बात सुनूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं मेरे दोस्त, अगर नियाज़ुल बलागा के मुताबिक आप अली के एतमाद पर ये मान रहे हैं कि सात आदम हैं और फिर तो साथ ही रसूल अल्लाह भी होंगे ना, मोहम्मद भी? हाँ ओके, तो फिर आप ये मुझे बता दें कि अगर साथ ही मोहम्मद है और साथ ही आदम है तो आप जो है ना जो हौज़े कौसर पर जो पानी पिलाएंगे रसूल अल्लाह, तो वो कौन से वाले रसूल अल्लाह होंगे? उन सात में से एक होंगे कि सात होंगे पिलाने वाले? ऐसे ही सात जन्नत है, सात दोजख है, उन सब का हिसाब देखो। इसीलिए अभी जो हमारा वैज्ञानिक इंटरवेंशन भी हुआ ना, ये जो हाँ जो इस पर ग्रह स्पेस पे, ठीक है, वो भी इसीलिए हाँ। क्या है कि कहीं तो कोई ग्रह टूटता है, क्योंकि बेसिकली है ना ये जो थ्योरी है इवोल्यूशन थ्योरी है, इवोल्यूशन के मुताबिक हम लोग जानवर से इंसान बने। यार कहां की जलेबी ला रहे हो भाई, कितना जाहिलपना दिखा रहे हो तुम, अपने मतलब की चीजें ले रहे हो क्या? मतलब तुम इवोल्यूशन की बात कर रहे हो जो कुरान के बिल्कुल खिलाफ है। अल्लाह ने जमीन बनाने, सुने, अल्लाह ने जमीन में कुछ भी पैदा करने, भाई पहले मेरी बात सुन ले, अल्लाह ने जमीन में कुछ भी पैदा करने से पहले आदम को पूरा इंसान बना करके जमीन पर फेंक दिया और उसकी बाईं पसली से हवा को बना करके फेंक दिया, और तुम ला रहे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की तो मां बहन कर दी तुम्हारे कुरान ने। अब मैं बोलूं बोलो, जितनी जहल फैलानी फैलाओ। जो बंदर वाली थ्योरी है ना, इवोल्यूशन की, डार्विन थ्योरी जो है कि बंदर के इनके मैच है, वो इसलिए मैच है, उसका जवाब भी कुरान ने दिया है कि जो यहूदी की एक कौम थी जिसका नाम था साब, वो कौम ने जब वो मछलियों का वाला कॉन्सेप्ट है, मछली वाली हदीस पढ़ लेना उसके बारे में, आपको पता होगा अगर मुस्लिम थे तो। मेरे भाई मुझे पता है तुम किधर जा रहे हो, वहां इंसान से बंदर बना, बंदर से इंसान नहीं बना, जिहालत कम करो, वहां इंसान से बंदर बनाया गया, बंदर से इंसान नहीं बनाया गया। हाँ तो सुन लो, इसलिए मैच है भाई, उससे भाई उल्टा यार, कुछ भी कुछ भी भाई, भाई साहब मैंने दुनिया में ना, सुने मेरी बात इस्लाम भाई, मैंने दुनिया में बड़े बड़े जलेबीबाज झेले हैं, मैंने तुम्हारे जैसा जलेबीबाज आज पहली बार देखा जिंदगी में, पहली बार। जो मैं पूछ रहा हूँ बंदर से इंसान, सुन पहले, मैं कह रहा हूँ बंदर से, मैं आता रहता हूँ, गालिब कमाल ये सुनता नहीं है पहली बात, तो इसको बैक स्टेज करना पड़ेगा, तब मैं अपनी बात रखूंगा ताकि फिर इसको पढ़ लूंगा। मैंने पूछा, मैंने कहा इवोल्यूशन, और साइंस ने भी कहा इवोल्यूशन ये है कि बंदर से इंसान आया है, ये भाई कह रहा है इवोल्यूशन ये है कि इंसान से बंदर बना, क्या ही गजब की इवोल्यूशन है, क्या ही गजब की इवोल्यूशन है। अब इसको ऊपर लूं कैसे, इसका डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ गया, भाई साहब अपना डिवाइस कनेक्टेड करें ताकि आपको ऊपर लूं। भाई साहब आप इतना जिहालत, इतना जाहिल बना लाते कहां से हैं? ये जो है रिवर्स कर दिया आपने, ये इवोल्यूशन नहीं है, ये रिवोल्यूशन है भाई। समीर भाई, इंसान बंदर से नहीं आया, इंसान और चिंपैंजी के जो एंसेस्टर थे ना वो कॉमन थे। समीर, मैं वो एक्चुअली मैं क्या बोलने वाला था ना, इन्होंने जैसे ही मैंने इकोल, मैंने तुमको जानबूझ के बोला, ठीक है समीर, लो इनका सुन लो जी, नहीं था तो जानबूझ के बोलोगे ना भाई। अब सुन लो मेरी बात, विज्ञान जो है अभी तक, विज्ञान डेवलपिंग फेज है, विज्ञान जो है आदमी के माइंड से ही रिसर्च के थ्रू जो पीढ़ियों से फ्लो हो रहा है, लेकिन अभी भी विज्ञान अपने आप को पूरा नहीं बोलता, जो चीजें साबित हो गई वो सर आप एक बात बताएं, अरे विज्ञान का तेल लगाने, भाई मेरी बात सुनो, आसमान जो है आपने बोला कि सात आसमान सात जमीन है, आसमान क्या सॉलिड है? अभी बोल रहा हूँ ना मैं, सॉलिड कहाँ लिखा है? आसमान सॉलिड है कि नहीं है? कुरान में कहीं लिखा है? 38 की, समीर भाई 38 की 9 निकालिए, तो 38 की 9 जी वहां पे लिखा हुआ है सर, सॉलिड है वहां पे, दिखाओ। हाँ दिखा देते भाई, तुम उसमें भी जलेबी बनानी है, हमें बताया यार। मतलब मेरे को ना कभी कभी अफसोस होता है कि पढ़े लिखे इंसान भी जब कुरान और साइंस को, कुरान को और साइंस को एक करने का कोशिश करते हैं ना, और जाहिलाना अपनी दलील देते हैं, मेरे को बड़ा ताज्जुब और अफसोस होता है इस बात पर। कुरान अपने आप में साइंस है, कुरान अपने आप में साइंस है, ठीक है, इसीलिए वैज्ञानिक, कुरान अपने आप में साइंस है, जब कुरान को आप
सपोर्ट में लोगे तो आपको इतनी अच्छी नॉलेज मिलेगी, आपकी सफलता कहीं नहीं रुकती है उस जगह। हाँ हाँ वो देख रहे हैं नॉलेज हम आपकी, आपने इवोल्यूशन को, आपने इवोल्यू, अरे भाई आपने कुरान को सही साबित करने के लिए, अपनी नजुल बलागा को सही साबित करने के लिए आपने ससुराल इवोल्यूशन को उल्टा कर दिया। नैजुल बलागा क्या है समीर भाई, नैजुल बलागा क्या है, इनसे जरा पूछे नैजुल बलागा है क्या। नैजुल बलागा ना तो कुरान है ना तो वो हदीस है, नैजुल बलागा है अली का खुतबा, हजरत अली का खुतबा। तेरे जबरदस्त कयास रब की रहमत से खजाने में, तो क्या आसमान व जमीन उनके दरमियान की हर चीज की बासात उनकी उन्हीं की है, तो फिर ये रिया कौन सामान। सी आयत बोली आपने 38 की? 1 मिनट इस्लाम भाई, समीम भाई, 38 की 38 की नाइन कौन है, सी? 38 की 38 की नाइन 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 तो ये है, 38 की नाइन तो ये है, एक मिनट मैं चेक कर लूँ 38 की है कोई और है ये। हाँ 38 की नाइन है, सही चेक कर ले रेफरेंस, इसमें नहीं होगा जो आप बोल रहे हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ आपका रेफरेंस जो है दुरुस्त नहीं है, वो चेक करें उसको आप, मिस्टेक हुई है कोई आपको, इसमें कोई और बात हो रही है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो भाई आपने अब तक मेरे को उसका जवाब नहीं दिया कि क्या मेल स्पर्म पीठ और सीने के दरमियान बनता है। मैं हार्मोन्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेल स्पर्म की बात कर रहा हूं। सॉरी थर्टी फोर की नाइन है, 34 की बच्चा नाइन से है, बनता है और 34 की नाइन बच्चा है का संबंध होता है जो कि पीठ में होता है। कुरान में सर। पहले मैं बताया तो ब्लड से निकलता स्पर्म की बात कर रहा सर, हूं, मेल आप स्पर्म तो कहां बनता है? बोलो 34 की नाइन है समीर भाई, वो 34 की, सॉरी जी मैं ला रहा हूं। भाई। मज्जा जो है, मज्जा से अगर आप बोले कि स्पर्म निकलती है ना, तो मज्जा ब्लड से बनता है, और ब्लड जो है ना वो खाने से बनता है, और खाना जो है ना वो फसल बागात में जमीन में उगती है। तो मैं ये समझ ले कि वो जो स्पर्म है वो जमीन में बागात में उगती है क्या? नहीं, सीधा बोलो ना, बच्चा जमीन से पैदा होता है, तो जीवस्य पीछे का जीवो भी में, ले लो, फिर आगे का भी जीवस्य ले लो जीव, ना। सुन लो मेरी बात, जीवस्य जीवो में हर जीव के अंदर जीव है, ठीक है, हर अरे जीव के भाई, अंदर जीव है, अरे जीव भाई तुम जमीन जो में बात कर अन्न रहे का, हो, अन्न खा रहे उसके अंदर भी जीव है, जमीन के अंदर भी अरे रहता भाई है, जीव को तुम क्योंकि बात जीव ज्यादा जमीन में करते रहता हो है, इस्लाम जमीन भाई, के इस्लाम जीव भाई जमीन वे, के अंदर भी इस्लाम रहता भाई है। तुम बात ज्यादा करते हो, दलील कम पेश करते हो, दलील तो है नहीं खैर तुम्हारे पास, दलील तो दलील के नाम है पे तो जीरो हो तुम, दलील के नाम पर तो तुम्हारे पास नियाजुल बलागा है, कुरान को फेंक कर तुमने उठा के बचे। अच्छा यजून जिसके एक मिनट, जिसके अच्छा अच्छा एक जिसके सवाल पूछू, अच्छा एक सवाल पूछू, एक सवाल पूछता हूँ। देखो देखो शमीम साहब कैसे एक्सपोज होता है बंदा, आप एक बात बताओ, क्या कुरान में कुछ तब्दीली बदलाव चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ, कोई आप क्यों बता कोई रहे? कोई चेंज की कोई संभावना नहीं है। अगर मैं आपके ही अपने इमाम, आपके ही अपने अली का कॉल, आपके ही अपने स्कॉलर से ये बता दूं कि वो ये कहते हैं कि इस कुरान के अंदर जो है तरद्दुद और बदलाव किया गया है, आप उसे ऑथेंटिक मानेंगे? स्कॉलर ने देखा है अपनी आंखों से, देखा मैं ये कह रहा हूं, अगर है आप ही की किताब, एक मिनट, आप ही की किताबों से अगर मैं साबित कर दूं कि कुरान के अंदर बदलाव किए हैं उमर और अबू बकर ने, आप उसको ऑथेंटिक मानेंगे, यस मानेंगे उसको? नहीं, जिस स्कॉलर ने उसने देखा है, कितने साल बाद नहीं देखा है उसने, ओके, नियाजुल बलागा, नियाजुल नहीं देखा बलागा तो अली नहीं नहीं कहिए देखा, तुमने नहीं देखा देखा है। तो नहीं मानूंगा। नहीं एक मिनट एक मिनट, नियाजुल बलागा अली नहीं कहिए तुमने देखा है? तुमने देखा है नियाजुल बलागा अली, अली का ही खुतबा है, किसी और का नहीं है? वो पूरा एविडेंस वाह है, वाह पूरा वाह 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 एविडेंस वाह है, वाह 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 पूरा वाह। इमामों का भैया कॉल है, ये काम, पूरा इमामों भैया का ये कॉल काम, है मेरे मेरे पास तीन भाई। रसूल अल्लाह रहते हैं सामने वाले, अरे सुनो, मेरे तीन भाई, सामने वाले घर में तीन रसूल अल्लाह रहते हैं, ये वो करने का काम उनका, तुम मत करो। तुम ये बताओ नियाजुल सर बलागा अली नहीं कहिए तुमने देखा है? हाँ भाई, इमामों के सर थ्रू आई है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, अली का इस्लाम में क्या रोल है भाई मेरे? क्या अली की बात है हदीस है? क्या अली की बात है कुरान है? अली अली की बातें पता क्या है, मैं बता देता हूं आपको अली की क्या है। जिसने अली को देखा नबी को देखा, नबी को देखा खुदा को देखा, जिसने अली को देखा उसने खुदा को देखा, ये है इनका अकीदा। नहीं है, झूठे हो तुम नहीं है, मक्कार एक नंबर के।